उसका चार्ज बहुत बुद्धि है उसका। नहीं जो लेटर लिखा ना, देखा ना लेटर कैसा लिखा है, बहुत हल्का करा दिया उसने। तुम एक काम करता ना, खाली सदर छोड़ कर खाली अनुमंडल चल जाता तुम जान। अरे छोड़ो ना यार, आप जहाँ से बोल के वो जहाँ बन को भेजेगा वहीं नहीं जाएंगे। कौन भेजा? वही लोग बनाया था। ओ इसमें कुछ चाल है ना? उस टाइम क्या चाल है, उस टाइम आप पहली बार थाना गए ना ना, वो लोग एक्सीडेंटल मारपीट वाला के सदर ही भेजता है वो लोग। अच्छा। तो बड़ा हॉस्पिटल है ना जी, चीज हो सकता था वहाँ, बोलने से हो सकता था वहाँ। रुक जाता ना उसी रात, उसी रात में वहीं पर रुक जाता तुम। सुनो हम जानता है। गलती क्या कर दिया तुम? केशवा एक दिन बात करता, पहले पूरा तरह से मेडिकल रिपोर्ट ले लेना चाहिए। नहीं तब तो गए थे तेलहंडा में, 307 379 ना क्या क्या धारा है ना साला, वो सब लगाई भी नहीं करता अगले दिन सुबह में। नहीं मतलब पहले थाना जा करके, हाँ थाना जा कर दिखा लेता है, हाँ उसके बाद जाता तू वहाँ पे ही। ये बाप, बोला मम्मी को बताए थे है? अगले दिन सुबह में उसका पैर भी पहुँच गया है। 307 और 379 जो धारा है ना, लगा भी नहीं करता साला। हम उसको कहा नहीं देखे, साथ ही साथ गए लेटर वाले के, फटाफट बैठा दिया धारा। देखो अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन देखो 379 और सुनो, जब रात में जब पुलिस आया ना, पुलिस के सामने राहुल का पैर भी किया है ना, लाल पंच बहुत जल्द जहान का बात बताया होगा है ना। हेलो वही वाला, यदि अगले दिन सुबह करते ना तो अभी हमको कौन सा केस बनाता जाता, झगड़ा का केस बना देता, खत्म हो जाता केस कुछ नहीं। 379 का घर ही नहीं बैठता। तुम रगड़ा कर, तुम धीरे धीरे जिस तरह अभी लेट हो रहा है ना, लेट होकर टाना जाता। वही तो बोल रहा है 307 थी हाफ मर्डर केस, 307 और 379 ऐसे को हटा जानता। DSP भेजेगा कोने को, IU से भी ऊपर का ऑफिसर को है ना, वो सुपरविजन करने के लिए, सुपरविजन मतलब पूछताछ करके जाके चला। तो वहाँ पे सब एंटी पार्टी लोग हो सकता है कि उसको वही टाइम पे 307 379 को हटा देगा, पूछताछ करेगा उसमें जाएगा। लेकिन कल मिथिलेश्वर बोला ना एक चीज़, तुम SP के पास जाओ, SP के पास आवेदन दो, SP से मिलो है ना, खून को दिखाओ, ऐसे ऐसे पूरी घटना को बताओ, उसको बता कि मेरा जब तक केस चलेगा 307 और 379 धारा को ना हटाया जाए। तो कल सुने इसीलिए हम रिकॉर्डिंग में तुम्हें भेजे थे। देखो एक एक छोटा छोटा चीज़ दिमाग लगा रहे हैं। मतलब कि ठीक है अरेस्ट मत करवाइए, लेकिन 307 और 379 को रहने दीजिए। मेरा ये कहना है क्योंकि बेटा अभी जो मजा लग रहा है ना, छाती पीट रहा ना, गज गज कपड़ा कांच रही थी नहीं, गज गज पूरा हंस रहा है ना, हंस रहा है ना, पूरा मजा ले रहा है, पूरा ही कर रहा है ना। नहीं तब इसके लिए जाना पड़ेगा सर, ये कागजन लिखना पड़ेगा। सरदा मैडम बोली ना कि तुमको तुमको अभी SP भी पकड़ने का आदेश नहीं देगा, वो तो बोल देगा भगौड़ा है भाग गया। कौन भगौड़ा भाग गया है, बोल देगा थाना वाला भाग गया। मैडम तो बोले थे ना कि कोर्ट जब केस में चला गया, कोर्ट में चला गया तो, लेकिन एक चीज़ है रे, जब उसको वारंट नहीं मिला है, बेल रिजेक्ट हो गया, तो उसको पकड़ लेना चाहिए था। कैसे पकड़ लेना, पूरा खाया नहीं सब सारा सब मिला हुआ है पुलिस को, बोले ना कानून का दृष्टिकोण से उसको तो पकड़ लेना चाहिए था। हम लोग बांडे आर बाउंडे से हम लोग मिल रहे हैं, सब कुछ नहीं। आगे जब उसको चार्जशीट जब फाइल करेगा ना, तब पॉइंट कुछ ऐसा लिख देगा ना वो चार्जशीट में, कोर्ट में फाइल करते समय कि साला उसको थोड़ा मौका मिल जाएगा उस पर। अच्छा हंस रहा है पूरा भी है? पूरा तो हमको देख देख के हंसता है पूरा। पूरा मजा मार रहा है। बगल वाला जो कुमार साहब है ना, वो जो निहिरुआ गोल्डन बैटरी वाला, उसके साथ हमको देख देख के हंस रहा था कल पिछले दिन सुबह, जो बीत गया सो कल हंस रहा था पूरा। बोले ना इतना बड़ा गलती कर दिया। क्या गलती कर दी है? क्या गलती कर दिया? अरे अभी इसको बोलना नहीं चाहिए था। देखो पागल है तुम साला, सही में हाँ ये सब चीज़ बोल के आता है रे। तो और जान ले हम ना कर देते
इसीलिए हम वो आदमी को बोला जाता है कभी भी अपना खूंटा मजबूत रखना चाहिए, कुछ भी बजर गिर सकता है, कुछ भी। बाबा तो बोल रहा था ना महेंद्र अब विनोदी लोग को बुलाना चाहिए। सुनो ना पहले आप तुरंत अपना राय देने लगता है ओके कि आता तो लोग देखता है सही बोल रहा है। क्या देखता देखता आदमी है भाई आया है साला थोड़ा लोग सोचते इसका आदमी ही नहीं है गाँव में तो सुख सुखा था ना डर से झरिया का देखा देखी किया है समझा। कुछ नहीं जानता है का तो किसी का एक जितना जगह नहीं है, है ना। वो एसपी के पास जाएंगे तो एक साल चार सीट वाला कुछ कुछ भेजेगा नहीं नहीं हम तो बोल रहे थे एक बार बांडा से मिलते हैं आज तुम तो गया नहीं चलेगा बांडे से क्या बोलेगा क्या बोलेगा।